देखो मनु जी, लव मैरिज के खिलाफ तो मैं बिल्कुल ना सुन, मेरी खुद की हो रखी है लव मैरिज। अच्छा, ऊपर से इंटरकास्ट हुई है, एक छोटी बच्ची भी है। बहुत बढ़िया। पर दिक्कत तो सै केस है, वाह हम समझ नहीं पा रहे ना, लव मैरिज में तो दिक्कतें होती ही हैं। लेकिन मनु जी, फिर भी मैं कहूंगा कि आप जो है ना, एक बार जाकर कुसुम से बात कर लो। देखो जी, मेरी बहन अगर राजी है तो इसका मतलब ये नहीं कि दिक्कत नहीं से, दिक्कत से है, पर तब के दिक्कत होगी जे मैं आपको तभी बता सकूंगा। मनु जी, आप तब तक जाके कुसुम से बात कर लो, मैं एक मिनट में आया। दरवाजा खुला रखना जी। मैं पहली बार प्यार में नहीं पड़ रहा कुसुम, पहले भी पढ़ चुका हूं, पहले भी शेरवानी पहनी है, घोड़ी पर बैठा हूं, किसी के साथ साथ फेरे ले चुका हूं, हंसा हूं किसी के साथ, रोया हूं किसी के पीछे, घर बसाने के चक्कर में हार गया और ऐसा हारा कि अब खून जलता है मेरा इस मियां बीवी के रिश्ते से। पर अब लगा और तुमसे मिलकर लगा कि अब इस गलती को फिर से दोहराने की हिम्मत है मुझ में। कुसुम, अगर प्यार से इतने डरे हुए इंसान को फिर से प्यार हो जाए तो कुछ तो बात होगी ना। बस अपनी तरफ से इतना कहना चाहता हूं कि प्यार करूंगा तुमसे, खुश रखूंगा, सुख दुख में साथ दूंगा, और जब तुम कोई कंपटीशन जीत के आओगे ना तनु। कुसुम, देखा मैंने कहा ना, ऐसा पहले भी हुआ है, ये बातें पहले भी हुई हैं, पर तुम पहली बार हुई हो। भाई साहब, दिल्ली में जो है ना, हैजा फैल रहा है। अच्छा, जरा हिसाब से खाना समोसे। लास्ट है। और मैंने तो कहा था अब कोई ना कोई दिक्कत आएगी ना, लव मैरिज में तो दिक्कत होती ही है। लो जी, आगे दिक्कत क्या जी? जी, एक तो मेरी मिसेस बोल ली कि आप डिवोर्सी हो ना, जो कि आपने मुझे बताया। और उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरी वाइफ को है। हाँ, और दूसरी, उन्होंने जो है ना, अपने किसी दूर के भाई के लिए कुसुम को पसंद करके रखा है। अच्छा। हाँ, आप ही के साइड से हैं, यूपी से। देखिए, क्या पता देखा होगा आपने कहीं। क्या हो रहे हैं आप? बंद करो ये आवाज का नंगा नाच। अनु शर्मा, बड़े शाहरुख खान बने घूम रहे हो हैं? पहले भी ये हुआ है, पहले भी वो हुआ है। मैं बताता हूँ पहले भी क्या हुआ है। पहले भी आपने इसकी लुगाई अड़प ली थी, पहले भी आपने इस बेचारे गरीब के पेट पे लात मारी है। अरे पिछली बार तो बेचारा सफाई देने के चक्कर में गोली चलाना भूल गया, लेकिन इस बार ना आते ही गोली मारेगा और उसके बाद सफाई देगा। नहीं, सफाई क्यों देनी, ठा 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 गोली मारी निकले, काहे की सफाई। पप्पी तो क्या कह रहा है? पप्पी, पप्पी तो ये लेगा आपकी। अरे इसकी शादी होने वाली है, इससे मत लिया। अरे पप्पी भाई साहब, लेकिन मनु एक ही रंग की दो मर्सिडी क्यों ले ली, रंग क्यों ने बदल दिया? और क्या मतलब, ये भी तो तन्नू जैसी ले ली, कुछ और देख लेता। ऐश्वर्या टाइप, दीपिका टाइप, कटरीना टाइप, नहीं मैं कितनी आ गई अब तो। लेकिन तेरा सही है, साड़ी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। ओ पप्पी, इधर आ, इधर पप्पी, पप्पी भैया। ओ पप्पी, ओ पप्पी, कैसे हो? कैसे मेरी? बढ़िया बढ़िया, एकदम बढ़िया। इलेक्ट्रिक? नहीं नहीं नहीं, वो ड्रिंक छोड़ा हुआ। किधर था, कहाँ था तू? अरे भैया, एक लंगड़े आदमी ने पकड़ लिया हमें। हाँ, मनु पार्टी में एक लंगड़ा घूम रहा था। ओए कौन था पप्पी, कहाँ गया? कौन? पप्पी। अरे पप्पी कहाँ से आ गया जैसी? अभी अभी तो कह रहा था कि लंगड़े ने पकड़ लिया। अरे यार जैसी, तेरे को बहुत चढ़ गई है, यहाँ पप्पी कहाँ है? तू मेरी बात सुन, ये ले, तू आराम कर, तुझे मेरी कसम, ये ले।
आराम से यार, पूरे घर में किसी को नहीं पता ये बच्ची जस्सी की नहीं है। जस्सी को खुद नहीं पता है, एक मिनट के लिए इसे गोद से नहीं छोड़ते है ना, सारा दिन इसे लेके घूमते रहते हैं, बहुत प्यार करते हैं सब इसे। है तनु कहाँ? मैंने बाथरूम जाना से। बाथरूम यहाँ है? यार तनु मुझे बहुत गिल्ट हो रहा है यार, क्या करें बता दें क्या? अब बता दिए तो उनकी मर्दानगी को चोट लग जाएगी, ऐसे जाहिल है, मर्दानगी को स्पर्म काउंट से नापते हैं। स्पर्म देख कबूतर। उत्तरा ये कैसे करा? यहाँ मारा कराटा? मैं क्या करती भाई साहब, ये मन ने जाने ही नहीं दे रही थी। अच्छा हो गए, बस तो बैग निकले। अरे यार वो तो कह रही हो प्यार ही नहीं करती यार। प्यार ही नहीं करती? हाँ। तो हमने कोई गलत फहमी होगी थी कि छोरी मुकर गई। अरे मुकर गई यार, अभी भी मुकरी है। अरे मुकर गई तो निकलो फिर यहाँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे लगता है अगर तुम बात करोगे तो शायद मान जाए। मैं क्यों बात करूँ, जब थारी नहीं सुन रही तो मारी क्यों सुनेगी? नहीं नहीं नहीं, मुझे लगता है अगर तुम बात करोगी ना तो मान जाएगी। एक बार तो बात करनी चाहिए है ना, है ना? इधर इधर, यहाँ यहाँ इधर। रे आजकल की मारियो, थम यहाँ बैठियो, बाहर दारू खाना आया था क्या? क्या कर रही हो? वाह तो हम पूछना चाहे। सुन सुन सुन, अब तू क्या कर रही से? देखो मैं शोर मचा दूंगी। थारे घर वालों ने खुद इतना शोर मचा के रखा है, थारी कौन सुनेगा, तू मारी सुन। क्या दिक्कत है तने इस बड़े आदमी ते? क्या राख है उस सूरत वाले छोरे में? पैसा रे दो वक्त की रोटी तथा नए पप्पी भाई साहब बिखरा देवांगे। प्रेम करे है थारे ते, थारे लिए इतनी दूर आए से और थाने वैल्यू ही को ना। शट अप, गवार कहीं के, भागो यहां से। भाई साहब यो नवांती दिखे, दिखा दो इसने भी कबूतर। बा देख कबूतर। अरे एनू की हो गया? जी ज्यादा पी ली थी। ज्यादा पी ली? अरे पायल ऐसी मजाक बना रखा है, कोई नहीं आया शाहरुख खान शुरू करने। एवी पायल पायल ये तो नीचे ही सो गई। हां पायल लिसन, सब कौन है क्यों हुआ पायल? अरे पायल का क्या हुआ? हां यही है यही है यही, भाई साहब बैठे थे वहां पर, पकड़ो इन्हें, इनको छोड़ना मत। अरे पपी क्या साहब, कितना टाइम लगाते आने में? तेरी बड़ी फ्लाइट में सो रही थी। शर्मा जी। हाँ शर्मा जी। हाँ यार चुप हो जाए यार पप्पी, आप सही रहे डॉक्टर साहब, फिर से सूट बनवा रहे हो। यहाँ एक बार घोड़ी पे चढ़ना नसीब नहीं हुआ, ये साले को घोड़ी पे घूम रहे तब से। अबे अंधे हो क्या, अपनी बीवी दिखाई नहीं देती, हालत तो देखो उसकी, पगला गई है वो। इस दिन के लिए छाती तान के खड़े हो गए थे हमारे सामने की ये हाल कर दो, इससे अच्छा तो हम शादी करवा लेते उससे यार, प्यार तो करते ही थे साले को, संभाल भी लेते। और ये लड़की क्या नाम है इसका, दत्तो? तुमको लग रहा है कि उसका चेहरा तन्नू से मिलता है तो कुछ गलत नहीं है? अरे पाप है ये, अरे पाप है भैया, पाप है, घनघोर पाप है, अरे पापी है ये। अबे इनको लग रहा है कि वो एक सीधी साधी इनके हिसाब की लड़की है, जिस चेहरे से प्यार हुआ था चेहरा भी वही है, तो बस लपक लो, पुरानी वाली की तो एक्सपायरी डेट हो गई है। ऐसी बात नहीं है राजा। अरे ऐसा ही है, ऐसा ही है। ऐसी बात नहीं है, मैंने कहा था उसे डिवोर्स लेटर भेजने के लिए। अबे वो एक उल्लू का पट्टा बावला लौंडा है कानपुर का, जिसने ये सारा रायता फैलाया है। अच्छा माफ कर दो यार इन दोनों को कुसुम जी, गलती हो गई मनु जी से, और तनु ने तो आजीवन कुछ सही नहीं किया है, भारी बेवकूफ हैं दोनों, पर आप तो समझदार हो, पूरे घर को इन दोनों की हालत दिखाई पड़ रही है, कितने दुखी हैं आप, बिजी चल रही हैं, शायद आपने नोटिस नहीं किया, मियां बीवी के झगड़े तो होते ही रहते हैं। कोई बहन जी वे मियां बीवी थे, वे मियां बीवी है नी, और मैंने खेरी नोटिस कराया, फावड़ी हो गया के तने नोटिस करी मारी और शर्मा जी की लव स्टोरी। राजा आई एम रियली सॉरी यार, तुम वापस इन सब में इन्वॉल्व हो गए। देख अगर मुझे थोड़ा भी पता होता ना कि दत्तो और तुम्हारा रिश्ता। वो सब छोड़ो डॉक्टर साहब, और कोई और बात बताओ, हो चुके हैं मेहरान की फिर से हमारा कटा है, सीधा सीधा बोलो बीवी का क्या करना है। राजा अब तू ही बताना क्या कर सकते हैं, इतना सारा इंतजाम तो हो चुका है यार, अब कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता है, जाके मना करो शादी के लिए और चलो तनु के साथ, और तुम तो निकलो, चलो चलो निकलो, कोई सूट साथ नहीं मनाएगा। राजा देख भाई
मेरे में उतने सारे गुण नहीं है, बस यही है कि जब मैं कुछ कह देता हूँ तो निभा लेता हूँ, उस दिन तनु के साथ भी और आज तत्व के साथ। देख अगर ये भी नहीं कर पाया ना मैं तो मैं 80 किलो का वजन बन के रह जाऊंगा और कुछ नहीं। अबे तुम क्या आदमी हो जब इसी वजन के साथ तनु के संग फेरे लिए थे तब? एनआरयू सलमान खान जो कमिटमेंट इश्यू चल रहे हैं। कुछ कहना चाहते हैं शर्मा जी? ये आखिरी फेरा से, इसके बाद शादी कंफर्म हो जाएगी। नहीं हो पा रहा। मैं एथलीट सु शर्मा जी, मैं या तो फर्स्ट आऊं सु या हार जाऊं सु, मन्ने कदे कंसलेशन प्राइज ना ले असे। किस खातर कर रहे हैं से यो ड्रामा? मारी खातर बा अनाउंसमेंट सुनी से अपने भाई जाज में कि दूसरों की सहायता करने से पहले अपनी पेटी बांध लें। आप अपने और अपनी लगाई को संभालो, मारी चिंता ना करो। मन्ने नहीं करनी से इसी शादी, देखो सब की शक्ल है, कोई खुश नहीं सा इस शादी से, मैं भी नहीं। थैंक यू। सारा का सारा बिल तन्ने भिजवा दूंगी, वो दे देना बस। थैंक यू।